होली पर्व के अवसर पर हम सभी शुभकामना ज्ञापित करते हैं। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है, लेकिन हम अपने भारतवासियों को आह्वान करते हुए कहना चाहते हैं, यह धर्म देश है, यहाँ वायरस का प्रकोप का हम अंत अपने धर्म युद्ध के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा के लिए अपने मुख से सभी विधियों को बताया है, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। अब हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि हम होली पर्व मनाते हैं, यह एक हमारे हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। जब एक बालक एक राक्षस के कुल में जन्म लिया था, जो प्रखर विष्णु भक्त हुआ, और उस प्रखर महाविष्णु का भक्त होने के कारण उनको अपने पिता के द्वारा ही चंद तरहों से हत्या की साजिश रची जाती रही। उसी कड़ी में हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका को ये दायित्व दिया कि अब हमारे सभी विध निष्फल हो रहे हैं, अब तुम ही इसका अंत कर सकती हो। और जब होलिका ने उस प्रखर विष्णु भक्त बालक प्रहलाद को जलानी चाही, तो वह खुद जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बाल बाल बच गए, धर्म की विजय हुई। तो हम इस धर्म देश के नागरिक हैं, ऐसे समय में हम होली का कोटि कोटि सबों को शुभकामना ज्ञापित करते हैं, और हम कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेंगे धर्म युद्ध के माध्यम से। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कोरोना से बचने का उपाय सुझाए हैं, सभी डॉक्टर हमें उससे बचने का उपाय बता रहे हैं, हमें उनको पालन करना चाहिए। अंत में पुनः एक बार हम अपने मिथिलावासी सहित समस्त प्रवासी मिथिलावासी सहित सभी देशवासियों को शुभकामना ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। धन्यवाद। आतंक मचा रखा है, लेकिन हम अपने भारतवासियों को आह्वान करते हुए कहना चाहते हैं, यह धर्म देश है, यहाँ वायरस का प्रकोप का हम अंत अपने धर्म युद्ध के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा के लिए अपने मुख से सभी विधियों को बताया है, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। अब हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि हम होली पर्व मनाते हैं, यह एक हमारे हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। जब एक बालक एक राक्षस के कुल में जन्म लिया था, जो प्रखर विष्णु भक्त हुआ, और उस प्रखर महाविष्णु का भक्त होने के कारण उनको अपने पिता के द्वारा ही चंद